हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत वहाँ की कृषि के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर कृषि पद्धति को देखें तो है निर्वाह प्रकार की ना होकर व्यावसायिक प्रकार की। वहाँ श्रम की जगह पूंजी का उपयोग, परिवहन तथा भंडारण के आधुनिक साधनों का उपयोग, कृषि मशीनों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग वहाँ की कृषि की प्रमुख विशेषताएँ हैं। वहाँ अगर उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलें देखें तो गेहूँ, मक्का, कपास, जौ, तंबाकू आदि प्रमुख फसलें हैं। अब वहाँ की उत्पादित की जाने वाली फसलों को देखें तो एक विशेष बात निकलकर सामने आती है, वो है कि वहाँ की जो कृषि पेटियां हैं, अर्थात एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की फसल उगाई जाती है और जिसको कि एक पेटी के नाम से, बेल्ट के नाम से हम जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मक्का पेटी, गेहूं पेटी, कपास पेटी आदि। तो इस प्रकार जो अमेरिका का जो कृषि प्रादेशीकरण है उसका एक प्रमुख आधार वहाँ उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं या जो पेटियां हैं वो वहाँ के प्रमुख कृषि प्रदेश के रूप में देखे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं वहाँ के प्रमुख कृषि प्रदेशों या कृषि पेटियों को। इसमें पहला है आर्द्र उपोष्ण फसल क्षेत्र। मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ उपोष्ण कृषि की जाती है। यहाँ उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलों में है तंबाकू, गन्ना एवं कुछ सीमित मात्रा में चावल भी उगाया जाता है। इसके उत्तर में स्थित है कपास पेटी। अगर कपास उत्पादन की बात करें तो विश्व में अमेरिका का दूसरा स्थान है। इस पेटी की पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है, जो कि अमेरिका में एक बहुत प्रमुख भौगोलिक विभाजक का भी कार्य करती है। अगर राज्यों की दृष्टि से देखें तो टेक्सास, ओक्लाहोमा, टेनेसी, मिसिसिपी आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ ये पेटी विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर इसके उत्तर में देखें तो गेहूं तथा मक्का की पेटी पाई जाती है। फिर इसके उत्तर में मक्का की पेटी पाई जाती है जिसकी भी पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। और विश्व में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक मक्का का बहुत बड़ा उत्पादक है। विश्व का लगभग 40% मक्का यहीं उत्पादित होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 3/4 मक्का, ये जो मक्का पेटी है यहाँ उत्पादित होता है। और इसके जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं वहाँ बसंतकालीन गेहूँ की पेटी पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो गेहूँ की दो पेटियाँ पाई जाती हैं मुख्यतः। इसके अलावा जो पश्चिमी भाग है वहाँ भी जो शीतकालीन गेहूँ की पेटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ दो प्रकार की गेहूँ का उत्पादन होता है, एक शीतकालीन, दूसरी बसंतकालीन। शीतकालीन गेहूँ या मक्के के साथ उगाई जाती है जो कि कपास तथा मक्का पेटी के बीच में अवस्थित है। दूसरी ओर जो बसंतकालीन गेहूँ है वह उत्तरी पश्चिमी भाग में के जो राज्य हैं वहाँ पे उगाई जाती है। अगर इनका विस्तार देखें तो व्योमिंग राज्य मिनेसोटा से लेके मोंटाना राज्य तक विस्तृत है। ये जो बसंतकालीन गेहूँ का जो उत्पादन क्षेत्र है इसको दुनिया की ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गेहूँ का उत्पादन इस क्षेत्र में अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादन यहीं होता है। फिर इसके पश्चात है ये आर्द्र उपोष्ण हो गई कपास पेटी, मक्का शीतकालीन गेहूँ पेटी, मक्का पेटी हो गई बसंतकालीन गेहूँ। फिर है घास एवं डेयरी प्रदेश। ये जो क्षेत्र है
जो झील के आसपास का क्षेत्र है, ये क्षेत्र डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो पशु हैं, जो मवेशी हैं, उनको चराने के लिए घास का उत्पादन किया जाता है। तो ये विस्तृत घास के मैदान तथा चारागाह क्षेत्र भी हैं। और जो मध्य अटलांटिक जो तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ की जो सब्जियों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, हॉर्टिकल्चर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात है जो घास एवं सिंचित कृषि क्षेत्र। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसका विस्तार सर्वाधिक है, लेकिन ये एक शुष्क क्षेत्र है जहाँ की उत्पादकता बहुत कम है। और यहाँ मुख्यतः जो या तो चारागाह फसलें या फिर ऐसी फसलें जो सिंचाई पर निर्भर करती हों, उनका उत्पादन किया जाता है। और फिर है जो प्रशांत तटीय कृषि क्षेत्र। इसके जो प्रशांत तटीय कृषि क्षेत्र है, इसके उत्तरी भाग में जो मिश्र कृषि होती है, जिसमें कि घास के मैदान तथा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और जबकि जो दक्षिणी भाग है, वो उपोष्ण कृषि प्रदेश है, जहाँ मुख्यतः फलों की कृषि की जाती है। या यहाँ जो कैलिफोर्निया घाटी क्षेत्र है, यहाँ जो भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो की जाती है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख जो कृषि प्रदेश है।